अस्सलामुअलैकुम मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों को। तो आज मैं आप लोगों को घर पर लाल मिर्च पाउडर बनाना बता रही हूँ। मतलब बताना क्या आप लोगों को तो पता ही होगा, पर ये बहुत सस्ते और इजी ट्रिक है। तो ये जो हरी मिर्च होती है हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, वो जब लाल हो जाती है तो बस उसे हमें ख़रीद कर लाना है। और ये कल हम शाम में बाज़ार गए थे तो वहाँ से ख़रीद कर लाए हैं। ये कम से कम 2.5 किलो के करीब है, 2.5 किलो है। और इसमें की डंडी जो रहती है वो हमने कल रात में निकाल ली थी, और अभी धूप हुई है आज दूसरे दिन, तो हम जा रहे हैं इसको छत पर सुखाने के लिए। तो चले चलते हैं। तो ये इस तरह से मैंने पोटली बांध ली हूँ छत पर जाने के लिए, क्योंकि हम इसको ऐसे नहीं लेके जा सकते, ये बहुत इजी होता है, ऐसे उठा के लेके जा सकते हैं। और हमें इसके लिए एक कॉटन का दुपट्टा चाहिए जिसके ऊपर हम मिर्ची को 4 से 5 दिन तक छोड़ देंगे ताकि वो सूख जाए, फिर हम उसे लाकर पीस लेंगे। तो चलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये वो सीढ़ी है जिस पे से चढ़कर मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। तो चले चलते हैं। तो घर से निकलकर कुछ दूर चलकर सीढ़ी पे चढ़कर हम पहुंचेंगे छत पर। तो मैं ऊपर जाके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये मैं आ चुकी हूँ ऊपर गैलरी पे, और मैं अब यहाँ से यहाँ छत पर चढ़ूँगी। कितनी धूप है ना, बस इसी धूप में मिर्चियों को सुखाना है। तो बस इस तरह हमें दुपट्टा फैला देना है। हमें ना कपड़ा पतला ही लेना है, ज़्यादा मोटा कपड़ा लेंगे ना तो मिर्ची सूखने में वक्त लगेगा, तो इसीलिए पतला दुपट्टा। और ये मिर्चियों को हम पूरा ऐसे फैला देंगे। तो आप ये व्यू देख सकते हैं ऊपर छत पर से, बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा वाली। मैं चप्पल एक तो पहन कर नहीं आई हूँ, मेरे पैर जल रहे हैं। तो चले फटाफट मिर्ची फैलाकर हम नीचे जाते हैं। तो ये मैं मिर्ची को फैला चुकी हूँ, अब ये 4 से 5 दिन तक अल्लाह ताला की रहमत के नीचे रहेंगे ना, तब ये सूख जाएंगे। तो फिर मिलते हैं हम 4 से 5 दिन के बाद। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये हमारी चौल का सीन है, और ये स्टंट ना किसी खतरों के खिलाड़ी से कम नहीं है, क्योंकि ये सीढ़ी बहुत खड़ी है, इस पर चढ़ना उतरना बहुत रिस्की का काम है। तो फाइनली हम उतर गए। तो ये 5 से 6 दिन हो चुके हैं मिर्ची को सूखते हुए, तो मिर्ची सूख चुकी है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए मिर्ची एकदम सूख गई है। अब इसे मैं उतार लूँगी और नीचे लेके जाकर घर में पीस लूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं अब जा रही हूँ मैं मिर्ची पीसने के लिए, मैं नहीं अम्मी पीसने जा रही हैं। तो मिर्ची का रंग थोड़ा बदल गया है, तो कोई मसला नहीं है, यहाँ तो इंसानों का रंग बदल जाता है, ये तो खैर मिर्ची हैं और 6 दिन से धूप में पड़े थे तो जाहिर सी बात है उड़ना ही है। तो इस तरह से मिर्ची जार में इसको हम भर लेते हैं पहले। कितनी कुरकुरी सी हो गई है, आप लोगों को इसकी आवाज़ ही पता लग रहा होगा। तो ये मिर्ची ना बहुत सस्ती भी पड़ती है और टेस्ट में बहुत तीखी भी होती हैं, अच्छी भी रहती हैं। तो जब ये अगर सीज़न या फिर मतलब जैसे गर्मी के मौसम में ये ज़्यादा होती हैं। तो ये गर्मी के मौसम में ज़्यादा मतलब होती है, मार्केट में आती हैं, तो जब भी आती हैं तो हम लोग थोड़ा बहुत लेके इसको पीस लेते हैं, ये अच्छा भी रहता है। आप लोग ध्यान देना, मिर्ची लगती बहुत है सबको, मिर्ची लगती है मतलब ये तीखी रहती है ना, तो जब हम इसको पीसते हैं तो हमें ध्यान देना पड़ता है इसको, जब हम पीसते हैं तो हाथ ना हमें फिर अपने बॉडी पे या कहीं पर भी नहीं लगाना होता है, क्योंकि मिर्ची बहुत तीखी रहती है, जलती है, तो इसीलिए बड़े एहतियात से इसको पीसना पड़ता है। फ़ैन भी बंद कर देते हैं, सिर्फ एग्जॉस्ट फैन चालू रहता है, तो वरना आपको मिर्ची लग जाएगी। मतलब वो एक मिर्ची जब हम पीसते हैं तो हमारे हाथों में वो एक अलग सी झनझनाहट होती है ना तीखेपन की, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएंगे। तो ये तैयार हो चुकी है रेड मिर्ची। तो ये मार्केट से अगर आप ख़रीदने के लिए जाओगे ना तो आपको 600 रुपये किलो पिसी हुई मिर्ची मिलेगी, और जो अखी मिर्ची हम लाकर घर पर पीसते हैं वो 380-400 रुपये किलो तक के मिलती है। तो ये 2.5 किलो मिर्ची थी जिसमें से हमने उसकी डंडी निकाल कर उसको सुखाने के लिए डाला था, और ये पीसने के बाद कम से कम 1/2 किलो या 1/2 किलो से ज़्यादा के करीब की है। तो घर पे लाल मिर्ची बनाने का फ़ायदा ये है
कि ये हमें सस्ती भी पड़ती है और इसका टेस्ट हमें पता रहता है कि ये मिर्ची तीखी है। तो थोड़ी मेहनत इसमें लगती है, बट कोई बात नहीं, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता है, बिना मेहनत के कोई फल भी नहीं मिलता है। तो तैयार है, आप लोग भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।